चार झाड़ू हमने बनाए हैं और इनको अब अच्छी तरह से धोते हैं, धोकर इसको मस्जिद में रख देंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त काम हो जाएगा, फिर ये जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। ये देखें कितने, तो इस तरह ये सुई की मदद से जो है ना इसको बनाया जा रहा है। ये न्यू फार्मूला है भाई, मजबूत हो जाएगी ना इस तरह सिलाई करने से। हाँ। ये दूसरी तरफ के कबूतर जो है ना इन्होंने भी दो अंडे दिए जी। सारे बहन भाइयों ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਧੁੱਪ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਵਿਲਾਵੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧੁੱਪ ਮੁਬਾਰਕ। ਐ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਐ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧੁੱਪ ਹੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਭ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਲੌਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਮਾਨ ਫਾਤਮ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹ। ਜੋ ਜੀ ਹਮਨੇ ਲਾਏ ਥੇ ਨਾ, ਵੋ ਕਿਆ ਲਾਏ ਥੇ? ਖਜੂਰ ਕੇ ਪੱਤੇ, ਖਜੂਰ ਕੇ ਪੱਤੇ ਲਾਏ ਥੇ। तो आगे पहले पंजाबी में स्टार्ट किया, आगे उर्दू में हो गया, चलो कोई बात नहीं। खजूर के पत्ते लाए थे ना, तो उसके साथ जो है ना ईमान फातिमा ने बनाया है डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा खूबसूरत है, तो चल के आपको दिखाते हैं। हमारे घर में भी खजूरें हो गई हैं, ये देखें ये खजूरें हुई खड़ी हैं जी, और ये सर्दी की वजह से आप रुकी हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह, आज जो है ना धूप कल से निकलना शुरू हो गई है, तो ये छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे जो है ना ये देखें फूल निकलना शुरू हो गए। ये छोटा सा फूल एक निकला खड़ा है। तो इसके अलावा जो है ना बेगम साहबा वो नमाज़ पढ़ रही हैं, और साथ में दुआ फातिमा सीरत फातिमा, ये देखें ये साथ में बिखेर रही है, उनकी मम्मा नमाज पढ़ रही है और दुआ मांग रही है। और वो जो पत्ते हैं ना वो हम लाए थे, तो वो आपको पिछली वीडियो में आपने दिखाए थे, जिसके साथ जो है ना ये बच्चे ने डिज़ाइन बनाया हुआ है। और नमाज से फ़र्क हो लेती हैं, तो फिर आपसे इंशाल्लाह बात करते हैं। हमारा हो गया जो दोपहर को खाने का टाइम, और खाने में आज क्या है ये भी देखते हैं। किचन शरीफ में हमारे लिए खाना तैयार किया जा रहा है जी मान फातिमा। मान बेटा आज क्या खाने में? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े के लगते हैं वैसे दोपहर को, रात के बनाए हुए ना। तो ये देखें ये भी हमारी पसंदीदा फेवरेट डिश है। मोहम्मद अंस को आज टीका भी लगवाना है, कल टीका इसको लगवाना था लेकिन नहीं लगवा सके, मैं कुछ चला गया था काम, हमारी लिमोजिन पर सवारी लेकर चला गया था, इसलिए कल नहीं लगवा सके। तो भाई हमारा टाइम हो गया दोपहर के खाने का, हल्का फुल्का खाना जो है ना आज हमने टेस्ट करना था। तो जिस जिसने भाई ये इसको बोलते हैं पंजाबी में लून वाले चावल, नमकीन उबले हुए चावल, तो जिस किसी ने भी नमकीन चावल खाने हैं आपने खाने हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने नमकीन चावल खाने हैं? नहीं आपका। इसको बोलते हैं जी लून वाले चावल। नहीं आपका, आप फिर ना कहे आपके, मुझे सुला नहीं मारी आपने। मेरा तो काम बनता था ना, हमने टोकरी बनवानी है मम्मा से। तो माशाल्लाह से खाना हमने खा लिया हल्का फुल्का, और अम्मा जी आ गई हैं। बच्चे ये देखें देखकर कैसे खुश हो रहे हैं भाई, और बेगम साहबा बना रही हैं अभी टोकरी। मां अम्मा के लिए कुछ चीज़ लाओ बैठने के लिए। हाँ ले आओ ले आओ जल्दी से। तो बेगम साहबा जो है ना ये एक न्यू डिज़ाइन बना रही हैं अभी, किस चीज़ का आज पता चलता है? किस चीज़ का? टोकरी बनानी। अच्छा अच्छा। और अब जो है ना ये टोकरी का डिज़ाइन बनाया जा रहा है। अम्मा जी भी आ गई हैं, अम्मा जी और बच्चे ये देखें, ये अब देख रहे हैं कि ये कैसे डिज़ाइन बनने वाला है। तो ये सारे डिज़ाइन जो है ना वो देख रहे हैं अभी। ये हमारे घर में एक मुनफरद चीज़ बनने वाली है ना, तो कभी इस तरह की कोई तकनीक हमने नहीं चेक की है, तो इसलिए बच्चे आज वो उनके लिए एक नई चीज़ घर में बनाई जा रही है। तो वो सारे गौर से देख रहे हैं हाँ भी ये क्या घर में हमारे बनने वाला है। तो इस तरह ये सुई की मदद से जो है ना इसको बनाया जा रहा है। ये न्यू फार्मूला है भाई। गुड
की गरबा ही करना है ना, कैसे बनेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। गुड़िया की टोकरी। ये क्या है भाई? गुड़िया की टोकरी। गुड़िया की टोकरी है। हाँ। अच्छा। गुड़िया भी लेनी है सही। तो ये जी यानी कि ना खज्जी के जो पत्ते होते हैं ना बहुत ही नरम होते हैं जी, तो उन पत्तों की मदद से जो ना वो बनाई जा रही है। स्टार्टिंग में इसको जो बोलते हैं ना इसकी बुनियाद टोकरी की वो बनाई जा रही है। मजबूत हो जाएगी ना इस तरह सिलाई करने से। ये खुशक हो जाएगा उन्हें के बाद टूट तो नहीं जाएगी? पता नहीं, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। मोहम्मद अंश आप भी चलें भाई कबूतरों को दाना पानी इनका चेक करें। एक एक बंदा दाने ले आए भी, ईमान फातिमा दाने लेने गई है। आप इनको दाना पानी वगैरह वो चेक करें। ये झूले पे झूले ले रहे हैं, आज इनको भूख लगी होगी। खोलो ज़रा, खोलो खोलो खोलो। एक और जो है ना कबूतरी ने अंडे दिए हैं भी, ये देखें ये दो अंडे दिए हुए हैं भी कबूतरी ने। और बाकी दाने गंदम के लाने मक्की के पड़े हैं भाई। और ये दूसरी तरफ के कबूतर जो है ना इन्होंने भी दो अंडे दे दिए हैं। ये जो अमेरिकन हमारा जुड़ा है ना इन्होंने भी दोबारा अंडे फिर दे दिए हैं। पहले वहाँ पे दिए थे अंडे तो वो ख़राब हो गए थे, सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी तो इसलिए जो है ना अंडे ख़राब हो गए थे। अब दोबारा फिर इन्होंने बच्चे अंडे निकाल लिए हैं, तो अब ये दोबारा बच्चे जो है ना ये इंशाल्लाह निकलेंगे तो बच्चे बहुत ही खूबसूरत होंगे। ये फ्रेल जो है ना ये जॉइंट जोड़ा नहीं है, ये दोनों मेल हैं, नर हैं जिनको बोलते हैं। आप इनको चेंज करवाएंगे तो फिर ये भी इंशाल्लाह बच्चे देना शुरू कर देंगे। मोहम्मद अंसी खा रहा है जी खाना, और साथ में जो है ना हमारी टोकरी का जो डिज़ाइन है ना वो ये देखें यहाँ तक पहुँच चुका है भाई। अब इसमें एक होता है जी हमारे इलाके में उसको बोलते हैं डब, कहाँ भी बोलते हैं वो इसमें लगाया जाता है। वो हमारे पास है नहीं, लेकिन ये बारीक बारीक जो ये है ना ये इसमें लगा रहे हैं, और इसके ऊपर जो है ना ये डिज़ाइन बनाया जा रहा है अभी। तो ये जो खज्जी साथ से उतार करना वही हम लगा रहे हैं। हमारे पास वो नहीं है दब, और इसी की मदद से हम तैयार कर रहे हैं। ये ना खुशक हुई पड़ी है इसलिए कड़क हो जाती है। हाँ वैसे भी ना दब वगैरह नहीं है ना इसलिए जो है ना सही बन नहीं रही। चार झाड़ू हमने बनाए हैं, और ये बनाए किस लिए हैं? ये बनाया हमने मस्जिद में रखने के लिए। भाई यार शोर ना करो, शोर ना करो। ये चार झाड़ू हमने बनाए मस्जिद में रखने के लिए। मस्जिद में छोटे झाड़ू होते थे तो वो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, और दूसरे नंबर पे जो है ना वो बाज़ार से मूल लेने पड़ते थे। तो हमने सोचा कि ये जो है ना बना देते हैं। तो ये माशाल्लाह इसे देखें कितने खूबसूरत भी लगते हैं, और इनको अब अच्छी तरह से धोते हैं, धोकर इसको मस्जिद में रख देंगे तो ये देखें कितना ज़बरदस्त काम हो जाएगा ना भैया ना। तो अब इनको जो ना अच्छी तरह से लगाते हैं इनके ऊपर पानी, और ये साफ़ हो जाएंगे तो फिर ये मस्जिद में जो ना ये रखाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो धूल मिट्टी है ना ये बिल्कुल धुल जाएगी। ये देखें इनके ऊपर कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है, तो ये माशाल्लाह से खूबसूरत सोने सोने हो जाएंगे, तो फिर ये मस्जिद में रखने के काबिल हो जाएंगे भी। तो ये माशाल्लाह से वाश हमने कर ली है, अब इनको थोड़ा सा झाड़ते हैं फिर ये जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। ये देखें कितने प्यारे प्यारे जो ना अब इनको रख देते हैं भी। जाओ मोहम्मद अंश और मानूर दोनों उठा लो और मस्जिद में रखे जाओ, दो दो उठा लो। जाओ शाबाश इनको, हाँ दोनों जाओ ध्यान से ऊपर उठा कर ले जाना, नीचे नहीं लगाने। जाओ शाबाश। ये एक तो जल्दी जो है ना झड़ते नहीं है, टूटते नहीं है, ये काफ़ी दिन चल जाएंगे माशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।